इंटरव्यू है? हाँ इंटरव्यू है। इसके पहले कहीं किसी कंपनी में काम किए हैं? नहीं नहीं, इससे पहले कहीं काम नहीं किया हूँ। नहीं मिलेगी नौकरी मैडम, बहुत सख्त हैं, किसी प्रेशर को नौकरी नहीं देती हैं। नेक्स्ट। जाइए जाइए, मैडम बुला रही हैं। मैम मैं कमी? यस कमी, आइए बैठिए। थैंक यू मैम। लाइए दिखाइए। नाम क्या है आपका? जी मैम, गोपाल, गोपाल नाम है मेरा। मार्क्स तो अच्छे हैं, 10th में 91%, 12th में 93%, BSc में 85%, B.Pharma में 92%, और फिर MSc में 87%। वाह क्या बात है। अच्छा, इससे पहले आप कहीं काम किए हैं? नहीं मैम, अब तक कहीं काम नहीं किया, फ्रेशर हूँ। अच्छा, तो आप 3 साल से सिर्फ घूम रहे हैं, यानी आपको कहीं काम नहीं मिला। सॉरी मिस्टर गोपाल, ये मैं आपको नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी कंपनी फ्रेशर को कोई मौका नहीं देती, मेरी कंपनी सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही मौका देती है। मैम प्लीज, ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। नो सॉरी, आप जा सकते हैं। मैम प्लीज, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए ना, और जब इंटरव्यू में पास हो जाऊँ तो ही मुझे नौकरी पर रखिए। नौकरी पर नहीं जबकि मुझे काम पे ही लगा दीजिए, मेरा काम अगर बेहतर दिखेगा तो ही आप मुझे नौकरी दीजिए। नो मिस्टर गोपाल, यू कैन गो नाउ। मैम मैं हर क्लास में अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करता रहा, 10th 12th, BSc, B.Pharmacy, MSc हमेशा टॉप करता रहा। काफ़ी शिद्दत से मैंने पढ़ाई की और अच्छे नंबर लाए, दिन रात एक करके मैंने खूब मेहनत किया, खूब पढ़ाई की। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, हमेशा से मुझे यही लगा। जिस तरह से मैं अपने क्लास में कॉलेज में टॉप करता रहा हूँ, मुझे तो हर कदम पर हर कंपनियों में मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैं गलत था। मैम मुझे नहीं पता था कि नौकरी पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से 50 से ज़्यादा कंपनियों का चक्कर काट चुका हूँ, मगर कोई कंपनी मुझे अब तक कोई नौकरी नहीं दी। जहाँ भी जाता हूँ हर कोई यही कहता है कि हमारी कंपनी फ्रेशर को नौकरी नहीं देती, फ्रेशर की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी कंपनी फ्रेशर को मौका ही नहीं देती। मैम मैं यह कहता हूँ, हमारे जैसे टॉपर लोगों को कंपनी अगर फ्रेशर होने के नाते नौकरी नहीं देती है तो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अगर हर कंपनियाँ यही कहती रहेंगी कि हमारी कंपनी फ्रेशर को मौका नहीं देती है तो मैम हम जैसे टॉपर लोगों को भी एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? और जब तक हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा नहीं, आप जैसे लोग हम जैसे टॉपर लोगों को नौकरी देंगे नहीं। अरे आप लोग हम जैसे लोगों को काम करने का मौका देंगे तभी तो हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, जब आप लोग मौका ही नहीं देंगे, हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अरे आपको सीधे सीधे इंटरव्यू लेना चाहिए हर किसी का, कोई भी हो, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस वाला हो।
इंटरव्यू लेना चाहिए। इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है तो काम में रख लीजिए, कुछ दिनों तक काम कराइए, अगर उनका काम बेहतर लगता है तभी मौका दीजिए, तभी उनको नौकरी दीजिए, वरना निकाल दीजिए। अरे एक्सपीरियंस कोई बाजार में बिकने वाला खिलौना थोड़ी है जिसे हम कहीं भी जा करके चंद रुपए खर्च करके खरीद लें। एक्सपीरियंस तो काम करने से, खून पसीना बहाने से, लगन से, मेहनत करने से आता है। आप लोग की जुबान पर सिर्फ एक ही बात हमेशा होती है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। आपको न डिग्री से मतलब है, न दिमाग से मतलब है, न इंटेलिजेंसिटी से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ किसी भी कंपनी से फर्जी एक्सपीरियंस बनवा लीजिए, नौकरी पा लीजिए। ऐसी नौकरी का क्या मतलब? पिछले 3 सालों से हम 50 से ज़्यादा कंपनियों के चक्कर काट काट करके थक चुके। अगर आज के 3 साल पहले मुझे वो पहली कंपनी ही नौकरी दे दी होती तो आज मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता। आज वो हर कंपनी मुझे नौकरी देती जहाँ जहाँ मैं चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं 3 साल पहले वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैं टॉप करके डिग्री पहली बार लेकर के हाथ में खड़ा था। क्योंकि आप सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमारी कंपनी फ्रेशर को मौका देगी ही नहीं, मौका मिलेगा नौकरी देगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को ही। हम लोग एक्सपीरियंस कहाँ पाएं? कहीं अलग से? उसके लिए कहीं अलग से कंपनी होती है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए और आपके पास आकर के काम कीजिए? चाहती तो हर कंपनी मुझे नौकरी दे सकती थी, लेकिन कंपनी को एक वेल एजुकेटेड एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। जा रहा हूँ मैम, नहीं चाहिए मुझे अब कोई नौकरी, आज से इंटरव्यू देना बंद, आज से अपना ही कोई एक छोटा सा अच्छा सा धंधा शुरू कर और जी जान से उसी में मेहनत करूँगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। मगर एक बात याद रखिएगा, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे जैसे टापर लोग आजकल कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेले लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से ही। क्योंकि आप जैसे लोग ही हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मौका नहीं देते हैं और उसे मोटिवेट नहीं जबकि डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए आजकल हर कंपनियों में फर्जी डिग्री वाले भरे पड़े हुए हैं और हम जैसे टापर सड़क पर घूम रहे हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई चाय बेच रहा है और हम कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वाह।